Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of the each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ibpsguide.com. Now let's move toward our video. Hello everyone, welcome to IBPS Guide. So ye day 25 hai puzzle ka, to kafi interesting puzzle aapke samne hai. Ye main aapko bata dun, ye puzzle aapki jo puzzle अल्टीमेट पजल वाली बुक है उसमें से है. पेज नंबर 200 पे जाइएगा, आपको ये पजल दिख जाएगी, ठीक है ना. आपको इसके सेट पे मैं 5 क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ. तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीके से अप्रोच करते हैं. ये प्री लेवल के लिए ही है, लेकिन SBI PO के लिए या IBPS PO के लिए आप कह सकते हो, ठीक है. तो और ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद मैं कोई भी प्री की क्लास लेके नहीं आऊँगा प्री पजल और सिटिंग एजेंट की. अब होगी स्टार्ट क्लास किसकी, मेंस के लिए, ठीक है. इस मेंस के हर एक एक वीडियो में मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा और अच्छे लेवल का होगा वो क्वेश्चन, तो ज़रूर आप वो वीडियो देखना, ठीक है. तो वो कब से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट करूँगा इसको आफ्टर 3 डेज, ठीक है. आफ्टर 3 और 4 डेज की गैप के बाद मैं इस क्लास को स्टार्ट करूँगा. कंटिन्यूस ये क्लास जाएगी, उसमें भी 25 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना. और दूसरी चीज़, मेरी एक सीरीज चल रही है फ्रेंड्स बेसिक टू एडवांस वाली से लॉग्स, उसमें चल रहा है. तो प्लीज़ उसको जाके आप देखिए. आप लोग देख नहीं रहे हैं, पर जिस दिन मैंने टेस्ट लिया इनइक्वालिटी का और सिलॉक्स का, मैं लाइव टेस्ट लूँगा, ठीक है ना. लाइव आके आपसे क्वेश्चंस दूंगा, उस समय मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ आपके से पूछूंगा और राइट आंसर बताऊंगा, दैट्स इट, ठीक है ना. तो उसमें देखिएगा आप लोग कितना सही करते हो कितना गलत करते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसको कोई देख नहीं रहा है. तो कोई बात नहीं, आप मत देखो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको उस चीज़ की नॉलेज हो, ठीक है ना. तो मैं उस जब क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाऊँगा तो उस समय कुछ मैं बताऊँगा नहीं, बस आपको अपनी नॉलेज उस दिन चेक करनी है, ठीक है ना. चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं. 8 boxes आर प्लेस इन वन अबव अनदर इन 9 shelf इन विच वन ऑफ द शेल्फ इज वैकेंट, द बॉटम मोस्ट शेल्फ इज नंबर 1 एंड अबव एंड द शेल्फ इज नंबर 2 एंड सो ऑन अंटिल द टॉप मोस्ट शेल्फ इज 9 एंड ईच बॉक्स हैज अ डिफरेंट हाइट. ईच बॉक्स हैज डिफरेंट हाइट, ये हाइट्स हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है. पहले तो स्ट्रक्चर बना लो फटाक से. स्ट्रक्चर कह रहा है टॉप बॉक्स क्या है, 9 है 1, ठीक है. थोड़ा सा ऐसे लाइन आपको खींच लेनी है फटाक से अपनी कॉपी पे. अब क्या कहें, द बॉक्स एस 8 इज प्लेस्ड इवन नंबर शेल्फ अबव द शेल्फ नंबर 5, ओके. तो शेल्फ नंबर 5 के ऊपर और इवन नंबर पे, तो कौन सा एस 8, तो एस 8 यहां आ सकता है और कहां आएगा, एक और पॉसिबिलिटी बन गई एस 8 की यहां, ठीक. और कोई केस बनेगा वो हम बना देंगे इधर, ठीक है ना. आगे क्या कहता है, द बॉक्स एस 4 इज प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 3, कौन सा एस 4, तो यहां पे भी एस 4, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं बस. एंड इट्स हाइट इज 50 सेंटीमीटर, सो 50 सेंटीमीटर. द हाइट ऑफ द बॉक्स विच इज प्लेस्ड ऑन द टॉप मोस्ट शेल्फ इज 20 सेंटीमीटर. टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस 1 एंड एस 3, द बॉक्स एस 3 इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स एस 4, ठीक है. एस 4 तो हमको पता है यहां, तो एस 3 या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, यहां पे यहां आएगा या तो यहां आएगा. अब सपोज करो आपने एस 3 यहां लिखा, ठीक है, यहां लिखा, तो क्या बोला, टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एस 1 एंड एस 3. एस 3 ये है, एक दो बॉक्स और एस 1, या फिर सबके माइंड में आएगा सर आप यहां कैसे काउंट कर रहे हो, क्या यहां वैकेंट भी तो हो सकता था सर, ये वैकेंट हुआ ऐसे, ठीक है ना. तो ये भी हो सकता था, लेकिन अगर ये डाउट आ रहा है तो आप मत लिखो यहाँ S3, ठीक, आगे पढ़ लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो अब आगे पढ़ लेते हैं. आगे वैकेंट के ही बारे में दिया हुआ है कि द वैकेंट शेल्फ इज इमेडिएटली अबव बॉक्स S1, तो वैकेंट की पोजीशन इसने बता दी, ठीक है. तो अगर मैंने S3 यहाँ कंसिडर किया, 2 का गैप देखे, S1 यहाँ आएगा और S1 के ऊपर इमीडिएटली अबव S1 के ऊपर वैकेंट आना चाहिए था, बॉक्स S8 क्या कर रहा है,
इसका मतलब ये हो गया कि मेरा S3 यहाँ नहीं होगा, कन्फर्म है S3 यहाँ आ जाएगा, दो का गैप दिया S1 आ जाएगा और ये रहा आपका वैकेंट। ठीक है, यहाँ वाली बात करेंगे तो S3 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो दोनों जगह रखेंगे। तो एक और सिमिलर डायग्राम बना दो, इसका एक आइडेंटिकल एकदम बना दो जैसा ये बना हुआ है S4 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी S3 आ सकता है, यहाँ पे भी S3 आ सकता है, दो का गैप दिया S1 आ गया, S1 के ऊपर आपका वैकेंट आना है। ठीक है, S4 ये S3 है, 1 2 का गैप दिया S1 आ गया, S1 के ऊपर आपको वैकेंट आना है। तो ये सही है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। आगे पढ़ो, आगे क्या कहता है, द बॉक्स S2 इज प्लेस इमिडिएटली अबव द बॉक्स S5 एंड इट्स हाइट इज एंड इट्स हाइट। यहाँ एंड जानते किसको दिखा रहा है, एंड अगेन फर्स्ट पर्सन को दिखा रहा है। यहाँ पे देखो जब भी एंड आए तो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, जैसे कि यहाँ बोला गया द बॉक्स S2 इज प्लेस इमिडिएटली अबव द बॉक्स S5 एंड इट्स हाइट, एंड मतलब अगेन टॉकिंग अबाउट द S2, इट्स हाइट इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द बॉक्स इज प्लेस्ड एट द शेल्फ नंबर 3। अब शेल्फ नंबर 3 पे तो 50 सेंटीमीटर वाला रखा है, तो इसका हाफ कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर हुआ, तो S2 की हाइट हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। पर वो रखा कैसे है, इमीडिएटली अबव द बॉक्स S5, तो अगर S5 ये है तो इसके ठीक ऊपर S2 रखा है और इसकी हाइट रखी हुई है 25। ठीक है, और ऐसे एरो बना दो, इसका मतलब ये हुआ कि S5 के ठीक ऊपर S2 है, तो मतलब ये दोनों कंजुगेटिव प्लेस पे आएंगे। तो यहीं पे ही आ रहा है और कहीं दिख रहा है इस वाले बॉक्स में, देखो यहाँ पे, यानी यहीं आएगा S5 और यहाँ आएगा S2, S2 पे क्या है 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखो यहाँ नहीं आ सकता, कहीं आ रहा है, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, मिडल वाले की कहीं नहीं आ पा रहा, ये कंजुगेटिव हटा दिया। यहाँ वाले के केस की बात की तो सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है कि S2 मैं यहाँ लिख दूँ और S5 यहाँ लिख दो तो बात बन जाएगी और S2 के पास आएगा कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। आगे कहता है द हाइट ऑफ द बॉक्स S7 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। S7 पे क्या जाएगा, मल्टीपल, किसका मल्टीपल जा रहा है, मल्टीपल ऑफ 7। आगे क्या कहता है, द सम ऑफ हाइट ऑफ बॉक्स S2 एंड बॉक्स S6 इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट ऑफ द बॉक्स S8। क्या इक्वेशन बनेगी, S2 प्लस S6 इज 4 लेस देन द हाइट ऑफ S8 माइनस 4 लेस सेंटीमीटर, तो एक ये क्वेश्चन बनेगी। ठीक, आगे पढ़ो, द हाइट ऑफ द बॉक्स S5 इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द S3, सो S5 हाइट इज ग्रेटर देन द S3, बट लिखा है बट मतलब अगेन टॉकिंग अबाउट S5 is lesser than the height of the box S1, मतलब S5 height lesser than the S1। ठीक है, ये दो सिचुएशन को ध्यान दो, तो इन दोनों की मदद से क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा आएगा कि S1 greater than S5 और S5 से बड़ा S3। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया मैंने, क्लियर है। आगे देखो, द बॉक्स विच हैज़ द हाइट 40 सेंटीमीटर इज नॉट द प्लेस इन द शेल्फ नंबर 6। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर वाला नहीं आएगा। अब आ जाओ कुछ पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन क्या निकालते हैं, आइए दिखाते हैं अब आपको, कितने बॉक्स बच रहे हैं, या तो S7 बच रहा है या S6 बच रहा है। क्या आप S7 यहाँ लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, तो S7 यहाँ नहीं, S7 मेरा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, S6 आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी S6 आ जाएगा और S7, सारे बॉक्स आपने रख दिए 1 to 8, S1 to S8 तक सारे बॉक्स लिख दिए हैं आपने। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, क्या मैं S8 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी सेंटीमीटर, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आपने S2 और S6 का सेंटीमीटर पता है, इनकी हाइट पता है, तो 20, 20, 40 और 45, 45 हुआ, 45 में से ये 4 माइनस 4 इस तरफ आ जाएगा, तो 45 प्लस 4 करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो ये किसकी आ गई, S8 की आ जाएगी, तो S8 के पास जाऊंगा मैं 49 लिख दूंगा, S8 के पास जाऊंगा 49 लिख दूंगा। अब मुझे पता था मल्टीपल ऑफ 7 है, तो दो ही थे, या तो 49 या फिर आपका ये 35, तो S7 पे क्या क्या चला जाएगा, 35 बचा यही ना,
S7 के पास 35, क्योंकि दो S7 के पास मल्टीपल ऑफ 7 जाना था और 49 और 35 कोई एक जाता, पर 49 तो ऑलरेडी फिक्स हो गया मेरा, तो अब मेरा S7 किस पर चला जाएगा, 35 पर चला जाएगा। ये बात क्लियर है। अब बची आपकी S5, S1 और S3 के साइड्स, और गिनतियां कितनी बची हैं आपके पास, आपके बचा है 64 बचा है, और क्या बचा है, 64 नहीं हुआ है, यहां कहीं लिखा है 50 लिख दिया है, 20 लिख दिया है, 40 नहीं हुआ है, और 30 नहीं हुआ है। ठीक, अब इन नंबर्स को इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, इनको सेम वे में अरेंज किया जाए, तो 64 यहां आ जाएगा, S1 की जगह S5 की जगह क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और S3 की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मुझे पता है S5 इस वाले केस में कहां पे, सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ शेल्फ पे, और बोला है कि सिक्स्थ शेल्फ पे 40 सेंटीमीटर वाला नहीं आएगा, और S5 का मुझे पता चल रहा है कि 40 ही सेंटीमीटर होना है, तो मैं कभी भी 40 सेंटीमीटर लिख के इसको राइट कहूंगा, नहीं कहूंगा, केस एलिमिनेट, क्योंकि यहां कभी भी 40 नहीं आएगा। अब यहां लिख सकता हूं कि हाँ S5 40 हो जाएगा, S1 यहां 64 हो जाएगा, और S3 हो जाएगा मेरा 30। काफी ईजी थी, पीओ के प्री लेवल के लिए ही थी ये, ठीक है ना। तो अब आओ इसके बेसिस पर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये रहा क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइट ऑफ द बॉक्स S1, तो S1 की हाइट पूछ रहा है मुझसे क्वेश्चन में, तो S1 की हाइट क्या है, यहां देखिए 64 सेंटीमीटर है, S1 की हाइट क्या है, 64 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स प्लेस इन ऑड नंबर शेल्फ, ऑड नंबर शेल्फ, तो देखते हैं S6 और S5, S1 को चेक करो, और S6 आपका ये रहा, S6 ऑड पे है, ठीक है, S5 आपका ऑड पे है, आगे देखो और कौन सा बॉक्स बोला था, चल S1 बोला था, तो S1 किस पे है, देखने दो, S1 आपका इवन पे आ गया, तो ये तो ऑड पे नहीं आएगा, तो इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। S3, S6 और S4 क्या ऑड पे है, क्या S4 ऑड पे है, S3 ऑड पे है, और कौन सा है, S6 भी ऑड पे, हाँ ये मेरा ऑड पे है ये वाला, S3, S5 और S6, ये भी देखो S3, S5, S5 भी है और S3 भी है और S6 भी है ऑड पे, तो इसका आंसर ये है कि 2 और 3 दोनों हैं, तो ओनली 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके क्लियर है, ठीक है, इजी था। अब आओ, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये मुझे आप कमेंट करो, कैसे करोगे, सर इसका आंसर ये है, यहां ये देखो, ये तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए और ये रहे ऑप्शन, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग शेल्फ इज वैकेंट, ये तो बहुत ईजी है, आपको देखना है कौन सा है वैकेंट, 5 वाला, तो विच ऑफ द शेल्फ इज वैकेंट, ऑप्शन नंबर सी, वॉट इज द सम ऑफ हाइट S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S1 S2 और S3, 60 प्लस 30 कितना हुआ, 90 हुआ, 90 प्लस 10 60 प्लस 30 कितना हुआ, 90 हुआ, 90 प्लस 20 दैट इज 110 है ना, 110 और 5 प्लस 4 दैट इज 9, तो 119, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 119, that is option number C is the correct answer. So I hope you like this video. Till that, thanks for watching, and please friends, do share with your friends, and also do not miss my mains level puzzles and classes, and also my dear friends, go and watch Silog's video, friends. Why I am saying so, because there is a best trick for sum not case, you can see the sum not case conclusion. Now I will teach possibility in the syllogs in upcoming video, so go and watch, and after completing syllogs I will take the live tests, so you have to attempt those tests also, and take and judge yourself whether you are where you are standing, okay. So till that, thanks for watching, have a nice day friends, keep learning.